देखो गाइस, मेरी नसें खुल गई है, इसका मुझे चक्कर जैसा हुआ। भाई जीवन जीना चाहता है खुल के एकदम, कहता है कि मैं बस शुगर ठीक हो जाए। मैं खूब बहुत मजेदार बात बताता हूँ ना, आप भी हंसोगे। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और अभी भरत जा चुका है योग क्लास में, बस मैं ही जा रहा हूँ। धूपदानी ले ली है और यज्ञ सामग्री ले ली है। दो छोटा टॉवल लिया, एक बड़ा टॉवल रख लिया। आज मेरी फुल बॉडी मसाज है तो ये टॉवल की जरूरत पड़ेगी, और स्टीम है तो ये सभी की जरूरत पड़ेगी। चलो चलते हैं। सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। मैं इधर से आया हूँ अभी, नई बिल्डिंग बन रही है। ये लेडीज डिपार्टमेंट है पंचकर्म का, इसके बीच में जेंट्स के लेटरिंग बाथरूम वगैरह बने हुए सारे। सामने उधर जेंट्स के पंचकर्म का सेंटर। और मैं चल रहा हूँ इस रोड पर अपने छोटे छोटे कदमों से। ये गाड़ी यहाँ पे छोड़ रही है योग क्लास में जाने के लिए। क्या पता काढ़ा ख़त्म हो गया होगा, 5:15 हो गए, 4:45 से शायद 5 बजे तक ही पीने दिया जाता है। स्वामी रामदेव जी तो आज भी नहीं आए हैं, आज भी आस्था से लाइव ही चला रहे हैं यहाँ पर। और बीच में है आर्यदेव जी, 5:30 बजे तक लाइव रहेंगे और उसके बाद 5:30 बजे बाद आर्यदेव जी योग करवाएंगे। चलो काढ़ा मिल रहा है, एंटी डी एम पी लेते हैं। मेरे को लगा बंद हो गया होगा। ये ले लिया एंटी डी एम काढ़ा मैंने, किस्मत से टाइम पे पहुंचा हूँ। बंद करके जा ही रहे हूँ, जो ज़्यादा लेट हो जाता है उनको तो मिलता नहीं, इसीलिए लेट नहीं होना है यहाँ पे आपको। मैं जा रहा हूँ मेरी डायबिटीज़ वाली क्लास में आगे। और आपको एक बात बता दूँ कि ओबेसिटी और डायबिटीज़ की अलग अलग क्लास है। उधर आगे की तरफ देखेंगे तो उसकी ओबेसिटी की, और इधर डायबिटीज़ वाले की क्लास है। इसी अंगारे लेने के लिए यज्ञ से वहाँ से लेके आ जाता हूँ। तो कारण है भीतर की अशुद्धियाँ। अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वरोग सर्वदोष सर्वदुःख। उसमें एक चम्मच घी भी डाल के दिया है और ये मैं डाल देता हूँ अब सामग्री। योग दर्शन, योग सूत्र के माध्यम से। 2 hours later जो हवन कुंड है उसके अंदर डाल देता हूँ सब बची सामग्री है। योग क्लास हो गए हैं फ्री है, और अभी जा रहे हैं कैंटीन पर। कैंटीन से पहले मैं जाऊंगा जलनीति करने के लिए। आज सुबह मैंने जलनीति नहीं किया था तो जलनीति करने जा रहा हूँ। शिफ्ट 1 वाले कर रहे होंगे तो वहाँ पे मैं कर लूँगा। तो मैं जा रहा हूँ जलनीति करने के लिए और आई वॉश करने के लिए। A few moments later. तो गाइस नाश्ता करने के लिए आ गए हम, और इसको देखो भरत को एप्पल खा रहा है आज तो। देखो अभी नाश्ते में मुझे क्या मिला है, सीके के जूस, पियर्स, मेथी स्प्राउट, लहसुन, बादाम, उबला टमाटर, और मेरी शुगर आई है 143। अभी थोड़ी सी बड़ी है तो डॉक्टर ने कहा है कि मतलब जब कम होना शुरू होगी ना तो फिर थोड़ी सी बीच में उछलती, फिर वापस नीचे जाती है, फिर उछलती, फिर नीचे जाती, ऐसा होता है। तो गाइज हम दोनों आ गए हैं नेचुरोपैथी सेंटर, और मेरा है आज फुल बॉडी मसाज और स्टीम। इससे बहुत जल्दी मुझे रिलीफ होता है और डिटॉक्स होती बॉडी। नेचुरोपैथी ऐसा सेंटर है जहाँ पे नंबर लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी नसें खुल गई है। स्टीम मैंने ली तो आज थोड़ा सा हल्का सा मुझे चक्कर जैसा हुआ, मतलब इतनी ज़्यादा स्टीम ले ली मैंने, 10 मिनट से ज़्यादा रहा था मैं कि डिटॉक्स हो जाएगा, ऐसा नहीं है, 10 मिनट ही रहना चाहिए आपको। मेरी नसें देख रहे हो कैसी खुल गई है, अगर गर्म स्टीम से ना नसें फूलती है और ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज़ हो जाता है, और इसीलिए है ना शरीर डिटॉक्स होता है। ऐसे नसें फूलती इसका मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं होता है, केवल ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। 10 मिनट रहो। तो अब मैं आ गया हूँ मिट्टी लगवाने के लिए। इधर क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है बताओ ना। तो गाइस मेरी नेचुरोपैथी सेंटर में अंदर फुल बॉडी मसाज हुई और स्टीम हुआ, बॉडी फ्रेश हो गई पूरी तरीके से। और शुगर देखो इधर केवल 80 आई है ब्रेकफास्ट के बाद वाली। मैं तो बहुत खुश हूँ, बधाई दे दो, कॉन्ग्रेचुलेशन दे दो मुझे। अब मैं जा रहा हूँ मैं भरत के साथ डॉक्टर को दिखाने, क्योंकि इसका थोड़ा मामला बिगड़ रहा है, इसकी डाइट वगैरह चेंज करवाना है। तो गाड़ी में बैठकर हम जा रहे हैं नेचुरोपैथी सेंटर से, निकल गए हैं पंचकर्म सेंटर पर जा रहे हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए भरत को। तो भरत के साथ जा रहा हूँ मैं पंचकर्म सेंटर में डॉक्टर को दिखाने के लिए। A few moments later. तो गाइज आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी शुगर ब्रेकफास्ट के बाद 80 आई है मात्र, और मुझे कोई चक्कर नहीं आ रहा, क्योंकि मैं अगर 100 के 120 के आसपास भी आती थी ना अगर मेरी शुगर, तो चक्कर आने लग जाते थे, कमजोरी आती थी और गिरने जैसी बेहोशी जैसी स्थिति आती थी, क्योंकि लो होती थी, वो लो कहलाती थी मेरे लिए। पर अब 80 पे भी लो नहीं है,
और मैं बढ़िया चल रहा हूँ, बस मेरे को भूख तेज लग रही है अभी, तो मेरे को खाना खाना है। दुख की बात ये भी है कि हमारे भरत भैया है, इनकी शुगर थोड़ी कंट्रोल में नहीं आ रही है, इनको शायद टाइम लगेगा। इनके लिए रिक्वेस्ट करना कि भगवान से कि जल्दी कंट्रोल में आ जाए। भाई जीवन जीना चाहता है खुल के एकदम, कहता है कि मैं बस शुगर ठीक हो जाए, मैं खूब जीऊँगा लाइफ में, अच्छे से जीऊँगा, इन्जॉय करूँगा। तो भाई के लिए प्रेयर करना ज़रूर, और प्लीज़ लाइक कर दो यार वीडियो, और सब्सक्राइब जरूर कर देना यहाँ तक आए हुए हो देखते हुए तो प्लीज़। और अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए कैंटीन में, और डॉक्टर के यहाँ पे नंबर लगा दिया है भरत का। चलो खाना खा लेते हैं। एक प्रॉब्लम हो गई है, इसकी स्ट्रीप है ना भरत की, दोनों ख़राब हो गई है। वो चेक करने गया तो ब्लड हिल जाता है इधर, तो ख़राब हो जाता है, वो बताता नहीं रीडिंग। एक स्ट्रीप थी इससे उधार ली थी मैंने, और अभी फ्लिपकार्ट वाले का लग रहा है कि डिलीवर करने शायद अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, तो दोनों की स्ट्रीप आ जाएगी। इसने भी मंगवाई है 50-50 स्ट्रीप वाला। ककड़ी की सब्जी है, पत्ता गोभी है, बीन्स है, रोटी, और रोटी दी है आज मेरे को, और सूप है मूंग की दाल का। और मेरी शुगर डाउन हो रही थी अभी, मतलब यहाँ आने के बाद मेरे को थोड़ा ज़्यादा वो फील हो रहा था कि अब खाना चाहिए कुछ। मैंने अभी फटाफट है ना गोलियाँ खा ली है, सूप से गोलियाँ खा ली, खाना खा लेता हूँ फिर मैं मिलता हूँ आपसे। तो गाइस खाना खा लिया है हम दोनों ने, और एक बहुत मज़ेदार बात बताता हूँ मैं, आप भी हंसोगे। मतलब मैं खाना खा रहा हूँ ना, तो रोटियाँ तो है नहीं उसमें, सब्जी खाना केवल चम्मच से, सब्जियाँ खाओ बस यही है। तो आज टेस्टी भी बनी थी, पत्ता गोभी थी और बीन्स थे उसमें, और चने की दाल वाली जो दाल थी, कल ककड़ी वगैरह मिक्स थी उसमें। बस यही सब्जी से खाओ और सूप पियो, बस ये खाते रहो, तो मैं ना 4-5 बार ले लेता हूँ। उसकी हंसी नहीं रुक रही थी, मतलब ऐसे करके देता है सब्जी नीचे, तो वो नीचे मुँह करके मेरी शक्ल देखते से ही वो नीचे ऐसे करके देता है खाना। मेरे को भी हंसी आ रही थी, उसको भी हंसी आ रही थी। खाए जाओ क्या है, दबा के खाओ, रोटी तो है नहीं उसमें, दो रोटी दी आज सुबह। अभी जा रहे हैं गेट पर क्योंकि फ्लिपकार्ट वाला आने वाला है शायद, तो हम गेट पे बैठेंगे क्योंकि कमरे पे जाएंगे, वापस आना बहुत दूर पड़ जाएगा। और अभी मेगा स्टोर में जा रहे हैं हम कुछ काम से, देख लेते हैं क्या है। बंद है यार मेगा स्टोर तो, अभी 2 बजे खुलेगा ना वो तो। हाँ यार, और भरत के लिए हम डॉक्टर से मिलने गए थे, तो इसको वापस से पंचकर्म लिख दिया है क्योंकि इसकी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही है, 300 के आसपास ही रह रही है। और अभी वो गेट देख रहे हो हम, उधर जा रहे हैं। A few moments later. तो दोस्तों अभी तो हम जा रहे हैं वापस कमरे पे, मूड चेंज हो गया है, सोच रहे हैं कि वो आएगा तो खुद ही कॉल करेगा, आने से भी पहले वो कॉल करेगा, आधा घंटा पहले कॉल कर ही देगा ना, तो अब आ जाएंगे हम गेट पे। तो गाइस मैं हम रूम पे आ गए हैं, और मैं अभी सुखा देता हूँ, यहाँ पे कड़क धूप गिर रही है, टॉवेल वगैरह सुखा देता हूँ यहाँ पर। सुखा दिया है मैंने कपड़ों को, अभी 3:30 बजे जब जाएंगे तब जरूरत पड़ेगी। Two hours later. तो गाइस दिन में सो गया था मैं, एक वीडियो अपलोड करके एडिट करके, और नींद आ गई थी वो तेज। तो अभी मैं जा रहा हूँ गेट पे, अचानक फ़ोन आया तो मैं जा रहा हूँ जल्दी, 2-3 मिनट पहुँचने को बोला, कुरियर आ गया अपना फ्लिपकार्ट से जो स्ट्रिप मंगवाई थी मोरपेन की। गाड़ी मिल जाए तो अच्छा है यार, अभी कोई गाड़ी भी नहीं जा रही है, वरना मैं चला जाता हूँ वहाँ तक। अभी जल्दी दूर है थोड़ा गेट, तो पहुंच गया हूं गेट पे मैं, गाड़ी मिली नहीं मुझे। राकेश ढाबे के नाम से है, तो ये पार्सल आ गया है और इसका ऑर्डर नंबर भी मिला लिया मैंने, वही है। तो 2 पैकेट स्ट्रिप है इसमें, एक भरत की और एक मेरी है, तो लेके जा रहा हूं मैं। अब मोबाइल पकड़ने वाला कोई नहीं है, नहीं तो अनबॉक्सिंग दिखाता मैं आपको, ये भरत को दे दूँगा। तो गाइज मैंने इसको ऑनलाइन क्यों मंगवाया फ्लिपकार्ट से, क्योंकि यहाँ पे कुछ बंदे हैं जिनको अपन रिसेप्शन के पे वहाँ रहते हैं, अगर उनको दे दो पैसे तो वो हरिद्वार जाके लेके आ जाते हैं, और वो MRP पे लेके आते हैं। अब जैसे मान लो ये 849 रुपये हैं, तो 849 पूरे लेते हैं वो, और फ्लिपकार्ट पे मुझे 630 रुपये पड़ गए। और मैंने उस फ्लिपकार्ट वाले भैया से पूछा कि इतने पार्सल रोज आ जाते हैं, तो बोले 25-30 पार्सल रोज आ जाते हैं उसके। तो गाइज मैं जा रहा हूँ कैंटीन में, और रात को देखो इस प्रकार से शाम को ही चालू हो जाती है लाइट और फवारा। तो ये विजय सर का पानी मैं पी लेता हूँ, यहाँ सारे पानी रखे हुए हैं, और ये नया कैंटीन इधर पीछे बनाया हुआ है, और मैं जा रहा हूँ उधर खाना खाने के लिए, भरत उधर ही होगा। तो ये भरत को इसकी स्ट्रिप दे देता हूँ मैं, और उधार वाली 6 भी दे दूँगा। खाली है ये लो नई वाली। मुझे
तुम सोच रहे कि मैंने इसमें से निकाल ली होगी तो उल्लू बना दिया मैंने। तो भरत ने खाना ले लिया है और इसको करेले दिए उबले हुए, मैं टेस्ट करता हूँ कैसा लगता है। कच्चे हैं। टमाटर भी दिया तुमको? नहीं खाऊं तुम्हारा टमाटर। बस खाना मिल गया भैया अपने को और अभी हम जा रहे हैं पुष्ट आहार दलिया लेने के लिए यहाँ पास में काउंटर पे। भैया पुष्ट आहार दलिया और स्प्राउट मेथी और चम्मच। A few moments later. तो खाना खा लिया है गाइस और ये थाली रख देता हूँ मैं यार, चम्मच इधर, ये देख लो कैंटीन वहाँ तक है पीछे तक। तो गाइस अभी खाना खा के हम दोनों जा रहे हैं हमारे रूम पे और ये देखो मैंने एप्पल लिया है और मुनक्का भी ले लिए 10, क्योंकि ये मेरी आज सुबह शुगर मेरे को ऐसा लग रहा था अब नीचे जा रही है डाउन, तो अब मैं है ना ये सोच के ले लिया मैंने क्योंकि लिखा हुआ तो मेरे कार्ड पे रोज़ लग रहा कल हो सकती है ज़्यादा डाउन हो जाएगी, एक दिन छोड़ के मतलब मेरी मतलब डाउन की तरफ बढ़ रही है सब। तो चलो वार्ड पे चलते हैं।